सब जल्दी जल्दी करो। अरे वहां से लाइट ठीक करो ना, ये क्या है? अरे ये फूलों को ठीक से लगाओ ना, जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे शांबिक रुको। जी मैम सर। वहाँ पे फूल कौन लगवाएगा? और तुमने केटरर्स को फोन किया? सगाई शुरू होने में 2 घंटे बाकी है, जल्दी करो सब। जी जी मैम। अरे शांता यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, जाके बच्चों को तैयार करवाओ जल्दी। बस अभी उनको दूध पिला दिया और ऐसे फटाफट तैयार कर देती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। ओफो, इस घर में ना सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम्हारे इस दरिया दिल पति ने इतने सारे नौकर चाकर दे रखे हैं, फिर भी परेशान रहती हो? मेरे गुण गाओ गुण, जो तुम्हारे मैनेजर और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। उसका कोई नहीं है, उसकी सगाई और शादी करवा के तुम गरीब नहीं हो जाओगी। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम ज्यादा भावनाओं में मत बहो और जाओ, जाके पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। जी मैडम। और हाँ सुनो, चीकू को तुम्ही ने रेडी करवाना है, वो शांता से तैयार नहीं होगा। ओके मैम। शांबिक। जी जी मैम साहब। गेट की लाइट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, उसे चेंज करवाओ जल्दी। जी अच्छा। सब फालतू का खर्चा, 2 टके के मैनेजर के लिए भला कोई इतनी दौलत बर्बाद करता है? कैसे समझाओ इन्हें? मैं कैसी लग रही? बहुत खूबसूरत। और मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? ठीक लग रहे हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। शांबिक, ये डेकोरेशंस, ये लाइट्स सब ठीक है ना? बहुत अच्छा। चीकू तुम ड्राइंग बनाओ, मैं आइसिंग खा के आती हूँ। अरे चीनी संभाल के। चीकू बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, भूख लगी होगी तुम्हें। बाय गाइस। शामिक, अशोक सर मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मेरे एंगेजमेंट के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना सब कुछ, थैंक यू सो मच सर। ये तो सगाई हमारी ऐसी हो गई जैसे पूरी जिंदगी याद रहे। तो तुम दोनों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना? आप किसे ढूंढ रहे? तुमसे मतलब? आपका नाम क्या है? पूछ रहे हो तो बता ही देता हूं, रिंकल नाम है, अब दोबारा मत पूछना। अजीब आदमी है यार। ये आदमी कौन है, कैसे घूम रहे? होगा कोई मनीषा और कार्तिक की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से तो सगाई में कोई आया ही नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। शांबिक, चलो चीकू बेटा आप अपने कमरे में चलिए, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। ओके तो फ्रेंड्स थोड़ा डांस और मस्ती हो जाए। हो जाए, हो जाए। चीकू, चीकू क्या हो गया बेटा? क्या हो गया तुझे चीकू बेटा? क्या हो गया तुमको चीकू बेटा? तो ठीक तो है ना चीकू? सूट फूट में एक आदमी घर की सगाई की पार्टी में आया, आप लोगों से मिला, घर के अंदर आया, यहाँ बैकयार्ड तक आ गया, इतने लोगों के बीच में से गोली लगी और आप में से किसी को ये नहीं मालूम कि ये आदमी कौन है और इसे गोली किसने मारी है? कमाल है सर, ये हाई प्रोफाइल फंक्शन था, यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, अब ये आदमी कोई गेट क्रैशर, बिन बुलाए मेहमान हो सकता है, आखिर हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में कुछ? सर हम कार्तिक और मनीषा की सगाई में बिजी थे, अब किस किस पर ध्यान दें? सर इसके लिवर के पास गोली लगी जिससे इसकी मौत हुई, लेकिन शरीर में और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं। लेकिन एक बात और दिख रही जो कुछ मेल नहीं खा रही, देखा तुमने थोड़ी? इसके जूते में छेद है। वही। ये देखो, ये सूट और फटेहाल जूते। इसकी जेब से तो और कुछ नहीं मिला,
जिससे ये पता चले कि ये है कौन। इशिता, कोई सबूत मिला? नहीं सर। गन वगैरह कुछ भी? नहीं सर। सर, मैंने इस आदमी से बात की थी, इसने अपना नाम रिंकल बताया। देखिए, ये आदमी रिंकल है या कोई और, एक बात साफ है, ये आदमी गेट क्रैशर नहीं है। गेट क्रैशर पार्टी में घुसते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, घर के अंदर घुस के गोली खा के मर नहीं जाते। आप कौन है? जी शाम्बिक। क्या करते हो आप? मैं तो नौकर हूँ साहब। आपने इस आदमी को खाने के आसपास घूमते हुए देखा था? नहीं साहब। नहीं, कोई तो यहाँ पार्टी में पहले से मारने के लिए तैयार बैठा था, और उसे ये भी मालूम था कि लाश को ठिकाने कहाँ पे लगाना है। वो तो अच्छा हुआ कि वो बच्चा चीकू उसने देख लिया, वरना ये लाश भी शायद हमें नहीं मिलती। सर, ये आदमी कब दिखा, कब गायब हुआ और कब इसको गोली लगी, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए सर, आप हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। सर, ये आदमी गड़बड़ लगता है, लाखों रुपए का सूट पहना है और जूते किस किस के फट चुके। ये आदमी यहाँ जरूर किसी ना किसी मकसद से आया था। हमें चीकू और उस आया से मिलना है जिसने इस लाश को पहले देखा। सर, आप चल तो रहे हैं, लेकिन चीकू से बात करके आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? हमारे चीकू ने अचानक से बोलना बंद कर दिया है, और अब आप सिर्फ उससे हाँ या ना में सवाल पूछ सकते हैं। क्यों, चीकू ने बोलना क्यों बंद कर दिया? बच्चे तो कितनी बातें करते रहते हैं। सर, आप खुद ही देख लीजिए। चीकू बेटा, सूप पी ले, थोड़ा थोड़ा सा पी लो, पी लो बेटा। अरे, ये दोनों नए अंकल कौन है? अंकल, आप मेरे साथ मेरा नया वीडियो गेम खेलोगे ना? खेलेंगे बेटा, मगर बाद में, पहले हम आपके भैया से कुछ बात कर ले। आप तब तक अपने कमरे में बैठो। ठीक है। चीकू बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं। मैं दया, दया अंकल। और मैं फ्रेडी अंकल। ये चीकू बेटा, ये बताओ कि इस अंकल को जो आदमी घसीट के ले जा रहा है, तुमने इनको देखा? कौन था ये? कोई नहीं। शांता, आपने भी नहीं देखा कि ये लाश कौन लेके जा रहा था? नहीं सर, चीकू के हाथ से ड्राइंग का सामान गिरने की आवाज आई तो मैं भी भाग के आ गई देखने क्या हुआ, मगर वहां रूम में मुझे कोई नहीं दिखा सर। आप चीकू को चीनी के कमरे में ले जाइए, हमें इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है सर, आ जा बेटा। अशोक जी, आपसे ये सवाल है कि चीकू ऐसे कैसे हो गया? जरूर इस बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है। सर, चीकू हमारे स्वर्गवासी भैया भाभी का बच्चा है, हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है, लेकिन उसे हम उस हादसे से बचा नहीं सके। कैसा हादसा? कुछ महीने पहले वो वागवाड़ी के जंगलों में कहीं खो गया था, और जब से वो वापस आया है तब से ऐसा ही है, किसी से बात नहीं करता। बड़ी अजीब बात है, चीकू अपनी बात पेंटिंग के जरिए बोलता है। बड़ी, यहाँ पे जितने पेंटिंग्स हैं सब ब्यूरो ले चलो। ये देखो, इसके हाथ काफी खुरदुरे, ऐसा लगता है रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करता था ये। एक मिनट, इसके नाखूनों में ये चिकनाहट। आइए, आप लोग उस तरफ खड़े हो जाइए। इशिता, यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब की उंगलियों के निशान लो। क्यों? क्यों और क्या नहीं, सब लोग शक के दायरे में। देखिए सर, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे। ना तो सगाई के फोटोग्राफ्स, ना वीडियो शूटिंग, और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। आप सब पे ऐसे ही भरोसा कर ले? कभी नहीं,
इशिता शुरू हो जाओ। क्या हुआ सर? लगता है इस आदमी को घसीट के यहां इस तरफ ले जाया जा रहा था। एक मिनट। वहां कहां जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं कि चीकू ने अगर लाश को नहीं देखा होता तो खूनी इस लाश को लेकर कहां जाता। इस घर के बारे में तो घर वाले ही जानते होंगे। ये काम किसी घर के जानकार पर लगता है। घर में और कौन कौन है? जो भी हैं सब यहीं पे हैं। सब यहीं पे हैं? ये फोटोग्राफ में बच्चों के साथ ये दो लड़कियां कौन है? वो दोनों मेरी बेटियां हैं। जायदाद को लेके अनबन होने की वजह से नाराज होके घर छोड़ के चली गई। और कहाँ गई है नाराज होके? पता नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। क्या बात है, बड़े अच्छे पिता हैं वैसे आप। बहुत कुछ नई बातें पता चल रही हैं यहाँ, सिवाय खून की वजह और कोनी को छोड़कर। अभिजीत, ये रिंकल बिन मुलायम मेहमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी उसका खून किया है वो जानता था कि रिंकल उस पार्टी में आने वाला है, और तो और उसकी लाश को उसे मारने के बाद कहाँ छुपानी है, सब प्लान था। अरे घर वाले हैं बड़े अजीब, वो चीकू के जंगल में गुम होने की बात को ऐसे बता रहे हैं जैसे वो गार्डन में घूमने गया था। दो जवान बेटियां नाराज होकर घर छोड़ के चली गई, और उनके पिता देवधर को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ सर, अपनों की चिंता नहीं है, मैनेजर की सगाई करवा रहे। वही तो है ना, बड़ी अजीब बात। और तो और उस पार्टी में रिंकल आता है कीमती सूट पहनकर और साथ में पट्टे हाल जूते भी। उसका खून होता है और वहां किसी को भी उसके खून के बारे में कुछ पता तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर आ, ये ड्राइंग देखिए, दो लोगों के पैर लगता है पेड़ों के पीछे दो लोगों को लटकाया गया है, और फिर ये ड्राइंग चीकू ने जरूर देखकर बनाया है। सर कहीं इसी सदमे की वजह से चीकू ने बोलना बंद तो नहीं कर दिया? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। चीकू बच्चा ही तो है, डर गया होगा। लेकिन उसकी वजह से एक केस हमारे सामने आ गया है, और लगता है चीकू गवाह है इस जुर्म का। सर यानी कि हमें चीकू से फिर से मिलना होगा? हाँ मिलना तो पड़ेगा, मगर उसके घर वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे, अजीब लोग हैं ये। बस आसान के बोल, क्या पता चल? बस रिंकल के हाथ की उंगलियों के नाखूनों में मुझे बर्तन धोने का डिटर्जेंट मिला है। डिटर्जेंट? एक बात और, लगता है रिंकल काफी दिनों से नहाया नहीं था। उसकी खोपड़ी की सतह पर मुझे मिट्टी मिली है, चिकनी मिट्टी जमी हुई। मुझे लगता है रिंकल जमीन खोद रहा था कहीं किसी जंगल में। सर ये चीकू भी तो कुछ महीनों पहले जंगल में था, ये रिंकल भी जंगल से चीकू के घर आया, वहां उसका खून हो गया, ये चीकू ने जंगल वाली पेंटिंग बनाई, संयोग नहीं लग रहा सर? जरूर कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है इन सारी चीजों का, कोई ना कोई संबंध तो है। बस ये पता लगना चाहिए कि चीकू के साथ हुआ क्या, तो रिंकल का राज भी खुल जाएगा। चीकू? नहीं नहीं, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बीवी का चमकता हुआ चेहरा इस साड़ी में 0 वाट के बुझे हुए बल्ब की तरह लगेगा। क्या कह रहे हैं चमन सेठ, ये मिसेज कुमार की 75,000 की साड़ी है। तुम नहीं समझोगे, मेरी बीवी को भी ये रंग पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छी वाली साड़ी हो तो बताओ। रुक जाइए, ये लीजिए, ये आज ही पेट्रोल से धुल कर आई है। सेठानी जी से बोलिएगा कि पहनकर 3 दिन के बाद वापस कर दें। क्यों? क्योंकि गुरुवार को साड़ी वाली साड़ी लेने आ रही है। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, किसी ने रिंकल जैसे आदमी को इतना महंगा सूट पहनने क्यों दिया होगा, और क्यों? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। हाँ जी, ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देने आए हैं या लेने आए हैं? ना तो कपड़े देने आए हैं और ना ही लेने आए हैं, बल्कि एक सूट के बारे में पूछने आए हैं।
मैं समझा नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। अरे बाप रे सीआईडी, सब कुशल मंगल तो है नहीं है। अब क्या करें? देखिए हम जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। हम लोग एक सूट के बारे में पता कर रहे हैं और एक आदमी के बारे में। कौन सा सूट, कौन सा आदमी? सर हमारे यहाँ किरमानी से लेकर ए टू जो जैसे महंगे ब्रांड के सूट ड्राई क्लीन होने के लिए आते हैं, पर इसमें कोई आदमी कैसे आ गया? अब ये फोटो देखो, इस आदमी को पहचानते हो? सुपरस्टार रोशन कुमार, 1,00,000 का पलेंटिनो सूट, इसमें इतना बड़ा छेद हो गया, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इस फोटो में एक आदमी गोली खाकर मरा हुआ है और तुम्हें ये सूट दिख रहा है जिसमें छेद है? किसी ने इस आदमी का नाम रिंकल बताया है, यही नाम है ना इसका? सर ये कोई रिंकल विंकल ट्रिंकल नहीं है, ये तो झुमरू है, झुमरू तेरा आदमी है, मतलब था। और ये सूट तुमने दिया था इसे पहनने के लिए? हाँ, मैं ही दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और जिस दिन सूट चाहिए था उस दिन मुझे मिठाई लाकर देता था। ये आदमी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था, मिठाई लेके आता था, ये किसी होटल वोटल में काम करता था क्या? हाँ सर, बन्नी का ढाबा। बन्नी का ढाबा? हाँ, बन्नी का ढाबा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना आज रात को सबको बिना नमक की सब्जी खिलाऊंगा मैं। ओ सोहन, वो 3 नंबर टेबल को देख, उनको आलू को भी क्या तेरे चाचा देगा क्या? दे रहा हूँ ना भजिया सेठ, लेकिन आप मेरे कागज में मत जाओ। एक तो 3 महीने से पगार नहीं दिया आपने, और ऊपर से आप हुक्म चला रहे, एडवांस दे रखा हो मुझे। ए चल चल। ओए गट्टू, अरे तू डाल में कर्चा घुमा रहा है या खेत में हल? बस हो गया ना भजिया सेठ, हो गया हो गया, चल हाथ चला जल्दी। अरे आइए आइए साहब। सोहन जी, साहब को ठंडा पानी दे दो। मैं लेके आपको खाने के ऑर्डर ले लो। आज मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं है साहब। अरे हमारे यहाँ का खाना खाके तो देखिएगा, यहाँ की दाल पूरी मुंबई में फेमस है, आप एक बार खाएंगे ना तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे और बार बार यही पे आओगे साहब जी। अरे भाई साहब, हमने कहा ना कि हम लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आए। खाना खाने नहीं आए तो फिर ढाबे में क्यों आए साहब? सीआईडी कुछ पूछताछ करने आए। क्या बात है साहब, मेरे ढाबे का खाना खा के कोई मर तो नहीं गया ना? तुम्हारे यहाँ का खाना खा के तो नहीं, लेकिन गोली खाकर मरा है। ये वो झुमरू? झुमरू मर गया? इसको गोली किसने मारी साहब? और देख उसने कोट और पैंट भी पहनी है। 1,00,000 का कोट है। इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास? हमने कब कहा कि इसने कोट खरीदी? अरे अरे साहब, वो गलती से मुंह से निकल गया साहब। साहब ये झुमरू जो है ना, 1 नंबर का चालाक, एकदम कामचोर और लफंगा किस्म का इंसान था, रातों रात रईस होने का था उसको। हाँ साहब, वो कामचोर था और सारा काम छोड़ के न जाने रात भर कहाँ गायब रहता था वो। अच्छा, उसने तुम लोगों से कभी ये कहा कि वो किसी अमीर आदमी की पार्टी में जाने वाला? नहीं 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 साहब, नहीं तो साहब ये वो अमीर लोग है। नहीं 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 साहब, हम नहीं जानते लोग कौन है। अबे ए गट्टू जी, अबे वो पक्की हुई डाल को और पकाएगा क्या? इधर आ। आए सेठ जी। जी साहब। देख पहचानता है इनको? सब झुमरू मुझे कुछ नहीं बताता था साहब। अरे गट्टू, तू झुमरू के साथ रहता था ना, तो जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा उसने। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं बताता था। अरे कुछ याद कर, मुझे कुछ पता ही नहीं है। देख गट्टू, अगर बाद में हमें पता चला कि तुम कोई बात जानते हो और तुमने हमसे वो बात छुपाई है, तो ये दाल कैसे गलाते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे। डॉक्टर मन्ना, क्या हो रहा है ये सब? क्यों मुझे चिकू को यहाँ पे लाने को कहा गया? अरे मैंने सीआईडी वालों से साफ साफ कहा था कि चिकू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर इसकी तबीयत और बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? देखिए आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा चिकू को। अच्छा एक बात बताइए, पहले आपने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर है, उसे दिखाया था हमने। ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाती हूँ, और चीकू को यहीं रहने दीजिए। पता नहीं क्या चल रहा है यार। चीकू बेटा यहाँ आओ, यहाँ बैठो, आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। सर बच्चा बहुत सदमे में। डॉक्टर अपर्णा, आप चीकू को ये ड्राइंग दिखाकर इन लटकते हुए पैरों के बारे में पूछ सकती हैं? जी मैं पूरी कोशिश करूंगी।
प्लीज। कुछ भी कहिए सर, लड़के की ड्राइंग बड़ी अच्छी है, अगर वो ठीक हो जाएगा ना तो मैं उससे अपनी खुद की ड्राइंग बनवाऊंगा। चीकू बेटा, चॉकलेट्स पसंद है आपको? आप ना हमें एक अच्छी सी पोयम सुना दो और हम आपको ढेर सारे चॉकलेट्स देंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके दादाजी बता रहे थे आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, जंगल वाली। अब देखो चीकू बेटा, ये आपने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन ये कौन है जिनके पैर लटके हुए? घबराई मत, कुछ नहीं हुआ। सीआईडी, आप यहाँ? जी हाँ, हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, फिलहाल आप चीकू को घर ले जा सकते हैं। लेकिन आपने इसका थेरेपी सेशन कराया क्यों? देखिए, वक्त आने पे ये भी बता देंगे हम आपको। हाँ चीकू बेटा, डरना नहीं किसी से, यू आर अ ब्रेव बॉय। हाँ जाओ। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो बेटा। सर, मुझे लगता है चीकू ने जंगल में खून होते हुए देखा है और वो अभी तक उसी के सदमे में है, और शायद चीकू को आज से पहले किसी डॉक्टर को दिखाया तक नहीं गया। चीकू को फिर से बुलाकर उस बागवाड़ी के जंगल में ले जाना होगा। चीकू के घर पे किसी को शक तो नहीं हुआ कि चीकू यहाँ पे है? नहीं सर, हमने प्रतिमा मैडम को अच्छे से बता दिया कि मैं चीकू को कहीं गार्डन न तो मॉल में घुमाने लेके जा रही हूँ। अच्छा चीकू बेटा, आप हमें वो जगह बताओ जो आपने पेंटिंग में बनाई थी। अगर बताओगे तो प्राइज में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। बेटा, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए, किसी से नहीं बताना। ठीक है बेटा, तो हमें उस जगह पे ले जाओ जहाँ पे तुमने वो लटकते हुए पैर देखे थे। ठीक है बेटा, आप चीकू को ले जा सकते हैं। ठीक है सर। और चीकू बेटा, ये रही तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू। और आपको याद है ना अंकल ने क्या कहा था, किसी से कुछ नहीं कहना है। बाय बाय। ओके सर। थैंक यू। यहाँ की मिट्टी में गड़बड़ है, यहाँ खोदना शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई इलाज दिख नहीं रहा है। अंदर कुछ है? हैं? तो देखो क्या? हाँ।
बनी का ढाबा। सर ये तो वैसी कड़छी है, दाल के कढ़ाई वाली। सर इसका मतलब ये गट्टू जरूर जानता होगा इस खून के बारे में। अब ये गट्टू ही बताएगा कि उसने यहाँ कौन सी दाल पकाई है। गट्टू एक बात तो बता। जी साहब। ये जो मुस्तंडा झुमरू तेरे साथ रहता था वो क्या गुल खिला रहा था तुझे कभी पता नहीं चला? सेठ मेरा विश्वास करिए साहब, वो मुझे कुछ भी नहीं बताता था। फिर सीआईडी आई तो पक्की दाल को तू करचा मार मार के उस दाल को तू जला क्यों दिया? अरे भजिया लाल, तुम्हारा ये गट्टू तो कब्र में भी करचियां घुमाता। ये तो मेरी करची है। अरे गट्टू कहाँ ले गया था करजी? और साहब किस कबर की बात कर रहे? देख गट्टू, मामला खून का है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, वरना बहुत फंसेगा तू। साहब क्या बोलूं साहब मैं? तुमने ही मारा है ना उन दो औरतों को बागवाड़ी के जंगल में। साहब मुझे तो पहले ही शक था इस पे। नहीं साहब मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो बस दोस्ती खातिर जुमरू की मदद करने की गलती कर दी थी। नाटक बंद करो और सीधे सीधे बताओ सच क्या है। अरे साहब कुछ महीने पहले जुमरू मुझसे कुछ चीजें मांग रहा था साहब, कुछ रस्सियाँ ट्रंक और फिर चाकू और सब। और क्या मंगाया? और एक हथौड़ा और जल्दी जल्दी में सब एक करची ले गया साहब। तुमने पूछा नहीं उससे कि इन सब चीजों का क्या करने वाला है वो? पूछा था साहब, उसने बात को टाल दिया और पिछले गुरुवार को साहब जुमरू मुझे पैसे की लालच देकर जंगल ले गया और फिर वहाँ पे हम लोगों ने खुदाई की और दो कंकाल निकाले साहब और कंकाल को रजाई में लपेट कर डंडे से बांध कर मेरे घर ले गया साहब और छुपा दिया। उस जुमरू ने सुपारी लेकर बड़े लोगों का खून किया था साहब और धमकी देकर पैसे ऐंठना चाहता था। खुद तो मर गया साहब, मुझे भी फंसा गया। चलो हमारे साथ घर में वो कंकाल कहाँ रखा दिखाओ। आ जाओ चीनी, तुम कितनी खराब ड्राइंग बनाती हो, फिर मेरी ड्राइंग क्यों बना रही हो? अरे तुम इतने महीने बाद बोले हो, तुम्हारे खुले मुंह की स्केच बना रही हूँ, उसके बाद उसमें रेड कलर भरूंगी, मना दू ना? तुम कैसी बुरी बहन हो, अपनी भाई की इतनी खराब स्केच बनाओगी? मैं सीआईडी अंकल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जैसा मैं हुआ वैसी तो बनाऊंगी ना, नहीं तो मैं तुम्हारी जंगल वाली फोटो बनाऊ। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें जंगल की याद कभी नहीं दिलाऊंगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ड्रॉइंग कैसे बनाते, अब मैं तुम्हारा स्केच बनाऊंगा। अच्छा सच्ची? और वैसे भी सीआईडी अंकल तुम्हारी सारी ड्रॉइंग्स लेके गए हैं और अभी वैसे भी तुम्हें नई ड्रॉइंग्स बना के चिपकानी भी तो अपने रूम में। छी कितनी गंदी ड्रॉइंग बनाई अपनी छोटी बहन की, रुको तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ये बच्चा खतरा बनते जा रहा है, इससे पहले कि ये सीआईडी को कुछ बताए हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। सर वो वाले घर पे रहते, मैं और जुमरू वहां पे रहते थे सर। सर ये वो बक्सा। इस बक्से में? जी सर। ये रहे दोनों कंकाल, मगर किसके होंगे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। देखें भाई क्या मसाला लेके आए ये लोग, बहुत बढ़िया। तारिका जी देखो ये लेके आए, ये दो खोपड़ियां और ये देखो ये इतनी सारी टूटी फूटी बिखरी हुई हड्डी। अरे सर इसको जोड़ के तो देखिए। हाँ देखेंगे ना सर, जोड़ के भी देखेंगे। तारिका जी देखिए अभिजीत जी आपके लिए काम ले आए, चलिए हो जाइए शुरू हो जाइए। मैं मदद करूं आपकी तारिका जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस सर सर से परमिशन ले लो फिर कर सकते हो। सर अभी आप वहीं खड़े रहिए भाई साहब और तारिका जी को ये काम करते हुए देखिए, ठीक है? Thank you.
और ये देखो ये हड्डी, खोपड़ी की हड्डी टूट चुकी है। ये देखो इसकी और इनकी पसलियां भी टूट गई हैं, और ये देखो ये गर्दन की हड्डियां भी चकनाचूर हो गई हैं। इसकी तो अलग ही हो गई है बिल्कुल। ये देखो सिर पे वार करने के बाद कहीं नहीं लटका तो नहीं दिया गया? बिल्कुल सर, ये इसके जबड़े के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, टेप जैसा लग रहा है। एक मिनट तारिका, ये देखो इसकी पसलियों पर भी ये कुछ चिपका हुआ है। सर ये तो डक टेप है। राइट, डक टेप। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये जिंदा थे तब खूनी ने दोनों के मुंह पर डक टेप लगाया था ताकि अपनी मदद के लिए ये आवाज ना दे सके? हाँ ये बात हो सकती है। और सर इस टेप के ऊपर के हिस्से की तरफ किसी के चमड़ी का अंश लगा हुआ है। हाँ बाहर की तरफ कहीं खूनी के तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है। इसका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा इनका है कि। करते हैं। लेकिन उससे पहले तारिका। हाँ सर। तारिका इन दोनों के चेहरे रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये दोनों तो देवधर की बेटियां हैं जो घर छोड़कर चली गई थी। हेलो क्या चीकू घर से गायब है? क्या चीकू यहां भी नहीं आया? तो फिर कहां गया? ठीक है कहां चला गया चीकू मेरा बच्चा? आ गए आप लोग। आपने तो कहा था ना कि हमारे चीकू को कुछ भी नहीं होगा, तो कैसे हो गया ये सब? आप मेरे चीकू को ढूंढ के लाइए, मेरा भतीजा नहीं है वो, मेरा बेटा है। बेटा आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, छुप क्यों हैं? देखिए हम चीकू को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे, मगर उससे पहले हम लोग यहाँ आपको कुछ बताने आए हैं। क्या चीकू के बारे में कुछ कहना है क्या? देखिए हम लोग चीकू के बारे में कुछ बताने नहीं आए, बल्कि पिया और तृष्णा के बारे में कुछ कहना है हमें। पिया और तृष्णा के बारे में क्या? हमें उनके कंकाल मिले हैं, दोनों मर चुकी हैं। क्या अब देखो जी, संभालिए बिठाओ इन्हें। पापा आराम से। वो दोनों मर चुकी हैं। मेरी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं रही और मुझ पर तसीब को पता भी नहीं। अशोक किसकी नजर लग गई हमारे घर को? पापा संभालिए अपने आप को। पापा देख क्या रहे हो, पानी लेके आओ, हालत दिख नहीं रही। जी जी सर। जी बताइए कि आप लोगों ने चीकू को आखिरी बार कब देखा था? किसी ने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? नहीं सर, हम लोग सुबह जब चीकू के कमरे में गए तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो वहां नहीं था। चीनी भी बहुत परेशान थी, कह रही थी कि इतनी रात को चीकू कहां चला गया? साहब जी पानी। हमें नहीं, इन्हें पिलाओ। मालिक
रात के 11 बजे से लेके सुबह तक आप लोग कहाँ थे कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि चीकू कब गायब हो गया? मैं अपनी दवाई लेने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी और वहां से रात को 2 बजे वापस आई और वापस आते ही सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। मैं तो घर पे ही था, मैं अपने स्टडी रूम में था और मैं जागा हुआ था, मुझे कैसे पता नहीं चला। और शांता तुम? नहीं सर, मैंने चीकू पापा को उसके कमरे में ले जाके सुला दिया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। शामिक तुम कहाँ थे? साहब हम भी अपना काम खत्म करके सोने चले गए थे। ये आप लोग पानी का ग्लास हाथ में लेके क्या कर रहे हैं? पीने के लिए मंगाया, पियो। आप लोग तो कल रात यहीं पे थे ना? वैसे भी अपना घर छोड़कर आप अपने बॉस के घर में रह रहे हैं, नहीं? जी अशोक जी, हम लोग को अपने परिवार की तरह मानते हैं और फिर वो हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे मैडम आप तो गुस्सा हो गए। चुप। अरे साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम नहीं शाम्बिक, तुम यही रुको, यह इंक्वायरी चल रही है, तुम यही रहो। रेडी इशिता। हाँ तो मनीषा कल तुम घर पे ही थी? जी सर। तो आपने चीकू को देखा था? हाँ देखा था। कितने बजे के आसपास और कहाँ देखा था? लगभग 10:30 बजे उसी के कमरे में। उसी के कमरे में? और आप उसके कमरे में क्या करने गई थी? मैं देखने गई थी कि चीकू सोया है या नहीं। आप तो वैसे इस घर में मेहमान है ना, कोई खास रिश्ता भी नहीं आपका चीकू के साथ, तो फिर चीकू पे इतनी मेहरबानी क्यों? जब चीनी थी वहाँ पे तो आप क्यों गई? आप लोगों को क्या लगता है मैं चीकू के रूम में गई, मैंने उसे कंबल में लपेटा, मैंने उसे गाड़ी में डाला और मैंने उसे अगवा कर लिया। क्या बात है, आपको तो अगवा करने के बारे में काफी कुछ जानकारी है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहां इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आइए। इन ग्लासेस से जिन लोगों ने भी पानी पिया है उन लोगों के थूक से, उनके सलाइवा से उन लोगों का डीएनए पता किया जा सकता है, और जिन लोगों ने भी इन ग्लासेस को छुआ है उनकी उंगलियों की चमड़ी से निकले हुए तेल से उनका फिंगरप्रिंट्स निकाला जा सकता है। फॉरेंसिक साइंस ने खूनी को पकड़ना कितना आसान कर दिया है। सही में सर, बस एक डीएनए उस डक्ट टेप पे लगे चमड़ी से मैच हो जाए, फिर खूनी की गर्दन सीआईडी के हाथों में। करेक्ट तारिका। सर आज है क्या बताया मुनीशा ने? कुछ भी नहीं सर, वो बस बार बार यही कह रही है कि उसे चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता। चीकू के बारे में कुछ भी नहीं पता ठीक है, मगर उस पर कड़ी नजर रखना, कड़ी नजर। सर चुप जाओ श्रेया, बस उसकी जरूरत नहीं। क्यों, ये डीएनए मैच हो गया क्या किसी का? हाँ मैच हो गया, ये रही उसकी रिपोर्ट, और ये डीएनए मनीषा का नहीं है, किसी और का है। माय गॉड, अच्छा तो ये है, इसी ने किए हैं ये सारे गुनाह। अरे जल्दी जल्दी खड्डे खोदो, टाइम नहीं हमारे पास, वो लोग आते ही होंगे। फिकर मत करो शांबिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी। चल चल हट चला। अरे वो देखो, अरे आ गया मेरा प्यारा चीकू बाबा, जो अचानक कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। मम्मा मुझे घर जाना है, दादू के पास, आप लोग क्या मुझे भी मार डालोगे? बेटा क्या करे, हम सब मजबूर हैं, हम सब तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और आपको भी कार्तिक भाई अब यहीं रुकना होगा हमेशा के लिए, हमारे प्यारे चीकू बाबा के साथ। शांबिक क्या क्या बोल रहा, क्या बोलना चाहते हो तुम? तैयारी देख नहीं रहे हो, ये दोनों खड्डे हैं, एक चीकू बाबा के लिए और दूसरे में तुम। शांबिक ये सब मैंने किया, तुम मुझे मार दोगे?
क्या करें साहब, ऊपर से आदेश आया है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। यस, ऊपर भेजो इनको, तफरा जल्दी अंदर। किसी को ऊपर पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं है। सीआईडी, तो तुम ये सब भी कर लेते हो? ए, चीकू से पीछे हट, वरना तुम सबको ऊपर का नजारा यहीं से दिखा देंगे। आगता किधर? चल ना। बस मैनेजर साहब, बस आपके नाटक का पर्दा गिर चुका है। आपके फोन को ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुंचे हम। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ कर दे, ठीक है माफ किया, चल निकल यहाँ से। हाँ, एक मिनट, तू ठीक वैसे ही करेगा जैसे हम लोग कहते हैं, समझा? क्यों मैनेजर साहब, सही कह रहा हूँ ना? ये सब तुमने अकेले तो नहीं किया है। पता नहीं जी, कहाँ है? घर में होगा, कहाँ है? आप कहाँ पे हैं? ठीक है वो। साहब जी, शाबिक, तुम्हारी ये हालत? चीकू, तुम शाम्बिक, क्या हो रहा है ये सब? चाचू, आप मुझे मारना चाहते हो? मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। शाम्बिक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी बोलती बंद है, अब तू बोलेगा। सीआईडी, ये क्या है ये सब? इसे देख लो और चीकू को देख लो, अभी बात समझ में नहीं आई? कार्तिक, तूने सब बता दिया। तुमने किया ये सब, अपनी ही बहनों का कत्ल तुमने करवाया, और चिकू को भी तुमने किडनैप करवाया, और जुमनू का भी कत्ल तुमने करवाया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जवाब दो अशोक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने किया ना ये सब, मैंने किया ना। और तृष्णा की मौत के बाद हर चीकू के गायब होने तक मैं करता रहा ये सब। क्यों किया तुमने ये सब? वो तो तुम्हारी बहनें थी ना, और चीकू वो तो तुम्हारे बेटे की तरह था ना, तो क्यों जान के दुश्मन बन गए तुम सबके? अशोक, तुम ये सब करते रहे, आखिर क्यों? तुम्हारे लिए, चीनी के लिए, अपने लिए। ये दुश्मनी का खेल प्रिया और तृष्णा ने शुरू किया था। वो मुझे जायदाद के हक से हटाना चाहती थी, क्योंकि मैं पापा का असली खून नहीं था, मैं इनकी दूसरी पत्नी का पहला बेटा था। उन दोनों ने मेरी मौत की सुपारी झुमरू को दी थी। फिर झुमरू ने मुझे फोन करके बोला कि अगर मैं उसे ज्यादा पैसा दूंगा तो वो मुझे नहीं मारेगा। और तुमने झुमरू को ज्यादा पैसे दे दिए? इस मैनेजर कार्तिक की मदद से झुमरू ने मेरी दोनों बहनों को वाकवाड़ी जंगल में बुलाया। हेलो, मैंने उन दोनों को जंगल में बुला लिया है। ये कहकर कि वो उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है कि मुझे चीनी को कैसे मारा जाए, लेकिन बदकिस्मती से चीकू उनका पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच गया। वहां उन दोनों को फांसी पर लटकाने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया। ये सब करते हुए चीकू ने झुमरू को देख लिया था, वो गुमसुम सा हो गया, उसकी आवाज चली गई। मैंने उसे ऐसा ही रहने दिया ताकि मेरा राज फाश ना हो जाए। झुमरू और ये मैनेजर कार्तिक, ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करने लगे। उस रात जब कार्तिक की सगाई थी तो झुमरू मुझसे पैसे लेने आया था, मैंने उसको भी मार दिया। तुमने ये सब किया? मासूम चीकू को मारने की कोशिश की? मैं चीकू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया, मेरा राज ना खुल जाए
इसलिए मेरे पास उसे मारने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे बच्चों, ये क्या कर दिया? अशोक, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है तो तुम हमारे पास आ सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने खुद अपनी बहनों को मरवा दिया और झुमरू को भी मार दिया। तीन तीन लोगों के खून के इल्जाम है तुम तीनों पर, अशोक, शांबिक और कार्तिक। तुम तीनों को कानून फांसी से कम कोई सजा नहीं देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।